बाहरगंज थाना क्षेत्र के मदराहा गांव में एक युवक ने गला रेतकर अपनी सगी नानी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना से गांव में मातम फैल गया। वहीं इस संबंध में बताया जा रहा है कि आरोपी विपिन मदराहा में अपनी मां और नाना आनंद साहनी और नानी चंद्रावती के साथ रहता था। गौरतलब है कि एसडीओ पद से सेवानिवृत्त आनंद साहनी की 5 बेटियां हैं, इसमें 2 विधवा बेटियां साथ रहती हैं। ऐसे में अक्सर दोनों बेटियों के परिवारों के बीच इस बात पर विवाद होता था कि अनंत और चंद्रावती किसके लिए कम किसके लिए ज़्यादा करते हैं। विपिन ने ऐसी ही बातों को लेकर गुरुवार की शाम अपनी नानी से झगड़ा किया। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर झगड़ा शांत करा दिया था, लेकिन शुक्रवार की सुबह एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान विपिन ने अपनी नानी का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। पूरे घर में कोहराम मच गया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और इस मामले में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक मदराहा नकदा गाँव है बड़ालगंज थाना क्षेत्र में, वहाँ पर सुबह एक सूचना मिली थी कि किसी महिला का हत्या किया गया है। उस पर थाना पे अपराध पंजीकृत किया गया है और तहरीर में 3 लोगों नामजद किए गए हैं। 3 लोग जो है उसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं, एक तो उसका पोता है और जो मृतका है उसका पोता और जो एक उसकी बेटी है, दोनों माँ और बेटे गिरफ्तार किए गए हैं जो अभियुक्त हैं। सर, हत्या का कारण कुछ पता चल रहा है? हत्या का कारण ये जो ऐसा कि वहाँ पर संज्ञान में आया ये चीज़ कि इनका जो प्रॉपर्टी है उसको लेने के ये हड़पने के चक्कर में थे सब, और वो सभी को बंटवारा करना, चूँकि मृतका के 6 पुत्रियाँ थी इसलिए सबको बंटवारा वो करना चाह रहा था। उसी में इसको हक मिल जाए इसलिए उसने उसका हत्या करा दी।